अलमेक कैसे हैं आप सब लोग छोटी सी वीडियो बना रही हूँ बस आ, समझे छोटा सा रिएक्शन तो नहीं कह सकते इसको लेकिन असल में कल सितारा की लाइव आ, मैंने देखी फिर उसके बाद मैंने सुबह वर्धा की लाइव देखी तो वाकई मुझे भी बहुत हंसी आई वर्दा के हंसने पे ना और जो वर्दा ने रिएक्शन दिया मुस्लिम के लिए तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी तो मैंने सोचा मैं मुझे नहीं गया तो मैंने कहा चलो मैं भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊं वर्दा के लिए कि वर्दा जो आप अल्फाज कह रही ना वही अल्फाज मेरे भी थे वही बातें मेरे भी जहन में आ रही थी क्योंकि मैं भी लाइव देख रही थी इसे की और मुझे यही था कि यार जब मैं जैसे पश्तून जो हैं वो भी जैसे उनके कमेंट में पढ़ी थी कि हम मेरी बात होती तो इसलिए मैं उसके साथ लाइफ में नहीं बैठी कि हमारी तो हो जाती है बात लेकिन जिसकी नहीं होती है वो तो कम से कम ऊपर जाके पैनर पर बात कर रहे। तो मेरा भी यही था पॉइंट ना लेकिन जब मैंने आपकी लाइव देखी सुबह ही देखी तो मुझे बड़ी हंसी आई मैंने कहा बिल्कुल वाकई में मुझे भी अफसोस गुस्सा भी आ रहा था हंसी भी आ रही थी कि यार आप बैठ गई हो तो कम से कम दूसरों को भी तो, तो मौका दो जो बेचारे जिनके चैनल ही नहीं जो तरसते हैं रोते हैं और हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारी तो हम तो वीडियो बना लेते हैं और कभी ये होता है कि चलो हमसे बात हो जाए हमारे पैनल पे आ जाए वो लेकिन जिनकी जो चैनल ही नहीं है जो बेचारे रोते हैं उनकी फीलिंग्स किस तरह पहुँचेगी सितारे के पास तो इसलिए मुझे ये होता है कि चलो उनको मौका मिले तो मैं यही कहूँगी कि खुदा रहा जब भी जब जब भी लाइव आए सितारा तो प्लीज़ सबको मौका दिया करें यानी कि आप बैठ जाओ बकौल आपकी तो आपके बात होती रहती है तो आपको तो फिर जाना भी नहीं चाहिए था और इसलिए कि क्योंकि मैं लोगों को देख रही थी जो मोहब्बत करने वाले हैं और जो रोते हैं उनके लिए सितारा के लिए तो खुदा के लिए उनको भी मौका देना चाहिए तो बहारह मुझे वर्दा पे बहुत हंसी आ रही थी कि वर्दा जिस तरह हंस रही थी ना कल तो मुझे भी बहुत हंसी आई थी आज जो मैंने उनकी लाइव देखी ना उस पर कल जो मैं देख रही थी ना उस पर वो मेरा अलग था जैसे मैं रिएक्शन मतलब क्या बोलूँ मैं देख रही सितारा की लाइफ और कॉमेंट जो पढ़ी मुझे भी हंसी आ रही गुस्सा भी आ रहा है क्या कर सकते कुछ कर ही नहीं सकते मेरी भी बात होती है तो मैं मेरा आपने कोई कमेंट नहीं देखा होगा और ना ही मुझे कभी लाइव पर देखा होगा कि मैं किसी भी लाइव में ऐसी जाऊँ जिसमें साजिद भाई हो दिल भार भाई हो या सितारा हो अगर दिलबार भाई हो तो चलो मैं कोई कमेंट्स कर भी देती लेकिन सितारा हो या साजिद भाई हो मैं कभी भी कॉमेंट्स पर नहीं करती हूँ कि नहीं यार उनको मौका मिलना चाहिए जो बेचारे जो हम हाँ एक तो इस मुल्क पे नहीं है और इंडिया से हैं और जो बहुत मोहब्बत करते हैं चैनल नहीं तो उनको मौका मिलना चाहिए तो बहार मेरा ये पॉइंट था तो इसलिए मैंने रखा तो मैंने कोई बुराई नहीं करी लेकिन बस एक पॉइंट था मैंने रख दिया तो बहारह मुझे भी वर्दा की तरह बड़ी हंसी भी आ रही थी लेकिन मुझे हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि दूसरों को मौका ज़रूर देना चाहिए ठीक है ना तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त और आज मेरी लाइव आज मैं लाइव आऊँगी एडवोकेट आएंगे उसमें तो जिस जिस को जो जो सवाल करना है तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा और अपने सवाल रखिएगा उनके सामने और वो जवाब देंगे और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे और दे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या था कल की लाइफ पे और जो मैंने बातें की हैं आप लोग एग्री करते हैं या नहीं तो चलिए आज मिलते हैं लाइव पे एडवोकेट आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा और अपने सारे सवाल रखिएगा आप लोग सामने ठीक है वो जवाब देंगे आपको तो चलिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा ऐसे ही सपोर्ट करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा लाइक करेगा शेयर करिएगा अल्लाह हाफिज